अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन कल आता है, लेकिन आज यहाँ मतलब वो महिला दिन के अवसर पर महिला दिन का संदर्भ ध्यान में रखते हुए महिलाओं को जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में दिया है, लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति देने के लिए मतलब हम सब लोगों ने कोशिश करने की आवश्यकता है। आज यह MIG क्लब के सामने यहाँ एक अच्छा प्रदर्शन हुआ। महिला दिन के अवसर पर अलग अलग कंपनियों ने जो ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा मतलब एक दो कंपनी ऐसी है उन्होंने मतलब एक उनका प्लान बनाया है जो महिला मतलब महिला या और भी कोई आदमी हो वो अगर ऑटो रिक्शा लेता है तो उनको मतलब एक भी पैसा ना लेकर कंपनी उनको 3,40,000 की ऑटो रिक्शा दे देंगे और हर दिन 600 रुपये उसका रिटर्न मतलब जो कीमत है वो करेगी। अगर ऑटो रिक्शा चलाते तो कम से कम एक दिन में 1,500-2,000 उसका इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद मतलब उनको मिलता है, तो रोज़ 600 रुपये देने में दिक्कत बिल्कुल नहीं है। एक दिन का 600 रुपये मतलब एक महीने का कम से कम 18,000 रुपये हो गया, तो एक महीने का 18,000 रुपये उसका रिटर्न जाएगा और एक साल डेढ़ साल के अंदर ही मतलब वो रिक्शा फ्री हो जाएगी। फिर उनको हर दिन के लिए 2,000 रुपये 1,500-2,000 रुपये पे मिलेंगे। इसका मतलब हर महीने को 50,000-60,000 रुपये एक महिला का कमा सकती है, महिला हो या और भी हमारा नौजवान हो। तो इसी तरह आज यहाँ हमारा अमित है, उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया था और 3-4 कंपनियों की मैनेजर भी इधर आए हैं और मेरा ओमेगा और साइनेटिक ये जो कंपनियाँ हैं इन्होंने अपने अपने अड्डूचय बनाई है। एक कार भी बनाई है जिस कार की कीमत 10,00,000 रुपये है और वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह ये स्कूटी है, स्कूटी भी मतलब महिलाएँ काफ़ी जो चलाती है और महिला दिन के अवसर पर हम सभी महिलाओं को जो हमारी रिपब्लिकन पार्टी की महिलाएं हैं वो यहाँ मौजूद है और मुझे लगता है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा जो शुभ दिन है महिलाओं को सक्षम करने के लिए, महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए। जो बहुत सारी विधवा महिलाएं होती है अचानक कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, हार्ट अटैक से मर जाता है, कैंसर से आदमी मर जाता है, उनकी ज़िंदगी एकदम पूरे अंधार में हो जाती है। तो ऐसे वक्त पर ऐसे कुछ महिलाओं को अगर ऑटो रिक्शा में मिलेगी तो वो हर महीने को वो 30,40,50,000 रुपये कमा सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है और सभी महिलाओं को मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने ऑटो रिक्शा सीखना चाहिए और ऑटो रिक्शा लेकर हम रोज आप लोग 1,500-2,000 रुपये कमा सकते हैं। कितनी ऑटो रिक्शा? ठीक है, तो हमारा प्लान ऐसा है कि कम से कम एक साल में 50,000 महिला हो या हमारे नौजवान लोग हो उनको 50,000 ऑटो रिक्शा देने का हमारा प्लान है और उसके साथ साथ कम से कम 1,00,000 से ज़्यादा लोगों को महिलाओं को ट्रेनिंग देने का भी जो काम है, स्किल ट्रेनिंग देने का जो काम है, ये भी मतलब इस माध्यम से हम करने वाले हैं। तो इसीलिए आज महिला दिन के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई देता हूँ और महिलाएं सक्षम होगी तो देश सक्षम होगा, देश सक्षम होगा तो हमारी फैमिली सक्षम हो जाएगी, हमारी फैमिली सक्षम हो जाएगी तो हमारा गांव सक्षम हो जाएगा। इसीलिए हम सब लोगों को सक्षम बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, नरेंद्र मोदी जी का है सपना और ऑटो रिक्शा वाला है अपना। तो मतलब ऑटो रिक्शा वाला भी अपना है और सभी जो लोग देश के 40 करोड़ लोग है वो नरेंद्र मोदी जी के परिवार के है और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में हम देख रहे हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए महिला आरक्षण बिल मंजूर हुआ पार्लियामेंट में अभी और महिलाओं को न्याय देने की भूमिका हमारी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी महिलाओं के आरक्षण के लिए अपने मंत्रिपद का इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब लॉ मिनिस्टर थे तब महिलाओं के लिए हिंदू कोड भी उन्होंने संसद में लाया था लेकिन उनको पास नहीं हुआ। इसीलिए महिलाओं को न्याय देने के लिए समाज व्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने मंत्रिपद का इस्तीफा दे दिया था। तो महिलाओं के साथ रिपब्लिकन पार्टी का बहुत नज़दीक का संबंध है, हमने हमारी महिला विंग भी मजबूत करने की कोशिश हमारी है और इसी तरह मतलब महिला दिन के अवसर पर देश के नए सारी दुनिया को महिलाओं को मैं
हार्दिक बधाई देता हूँ। हाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ये मतलब पोल्यूशन मुक्त है और इसी तरह मतलब इसी तरह का काम भी हम करने वाले हैं। बहुत सारी कंपनियां आगे आ रही हैं और अपने अपना प्रोडक्शन अलग अलग जगह पर निकाल रही है। तो सभी कंपनियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आप स्कीम ऐसी बनाओ कि लाखों लोगों को करोड़ों लोगों को रोजगार मिले, ये आपकी जिम्मेदारी है। सर गृह मंत्री जी ने आज एक बयान दिया है कि हम चुनाव के पहले देश में सीए लागू करेंगे। चुनाव के पहले देश में सीए लागू करेंगे, कौन गृह मंत्री जी ने आज बयान दिया है। ठीक है, अभी जो सीए कानून पास हो चुका है और लागू करने के बारे में उन्होंने जो बयान दिया है वो सही बयान है। चुनाव के पहले अभी लागू करने के संबंध में उन्होंने जो भूमिका रखी है उसका हम सपोर्ट करते हैं। चलो। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष शीतल बंसोड़े हूँ और मैं खुद ऑटो चलाती थी। जो ऑटो के लिए सीएनजी भरने के लिए घंटों डेढ़ घंटों दो घंटा लाइन लगाना पड़ता था और वहाँ पे लाइन लगाने के बाद कुछ ऐसे वैसे ऑटो वाले भी आते थे तो फिर उनमें आनबन हो जाती थी। अभी जो सरकार ने ये जो ऑटो निकाला है हम महिलाओं के लिए, इसमें सच में ये फ़ायदा है कि ये तो इलेक्ट्रिक ऑटो है, ऊपर से मतलब कैसा हम लोग इसको ज़्यादा परेशान नहीं हो सकते कि इसको बाबा स्टार्ट करना है या फिर उसको सीएनजी भरने के लिए लेके जाना है, ये दिक्कत नहीं रहेगी महिलाओं के लिए। सीधा अपना चाबी लगाओ, स्टार्ट करो और मार्केट में चल दिए अपना उधार निर्वाह करने के लिए। तो जो सरकार ने ये फैसिलिटी और ये जो ऑटो निकाला है, सच में हम महिलाओं को बहुत प्राउड फील हो रहा है और ऐसे ही नए नए और ऑटो स्कूटी फोर व्हीलर ऐसे ही महिलाओं के लिए लेके आए जो महिला खुद का उधार निर्वाह करें। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इस सरकार की, एक ऑटो ऐसे निकाली है महिलाओं के लिए, तो और कुछ ऐसे ही चीज़ें निकलती आ जाए ताकि हम महिला का उधर निर्वाह हो और हर महिला आगे आके खुद को एक नया स्थान दे। धन्यवाद, चाहती हूँ 8 मार्च है और 8 मार्च के अवसर पर आज जो पीएम सोलर 2 ईवी प्रोजेक्ट के अनुसार आप महिलाओं को जो रोजगार देना चाहते हैं सोलर के माध्यम से, पीएम सोलर 2 ईवी के माध्यम से जो महिलाओं को आप रोजगार की जो संधि दी जाती है वो बहुत बड़ी है।